नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई मलेशिया से रिलेटेड। जी हाँ भाई, मलेशिया की अच्छी फ्लाइटें हैं। मैं बता दूं आपको, 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाली हैं और 31 अगस्त तक लगभग 27 फ्लाइटों का शेड्यूल है। जी हाँ, तो भैया 1 महीने में 27 फ्लाइटें, ठीक है, समझ गए आपको। तो आपको लगभग एक दिन में एक फ्लाइटें आ रही हैं, तो पूरी डिटेल से आपको बता दूंगा। पूरी डिटेल आप स्क्रीन पे देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो जरूर करके रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देख लीजिए आप, पहले सबसे पहले बात करें मलेशिया कोलालंपुर से कोची के लिए फ़्लाइट है 3 अगस्त की। जी हाँ, 177 यात्री पहुँचेंगे मलेशिया से कोलालंपुर। फिर तिरची के लिए फ़्लाइट है मलेशिया से कोलालंपुर। फिर चेन्नई के लिए फ़्लाइट है। फिर कोलालंपुर से 6 अगस्त को कोची के लिए फ़्लाइट रहेगी। फिर 7 अगस्त को साथियों कोलालंपुर से हैदराबाद के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ, आगे बात करें 9 अगस्त को कोलालंपुर से तिरची तमिलनाडु के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ, 10 अगस्त को भाई केरला मलेशिया से कोची के लिए फ़्लाइट है। 11 अगस्त को कोलालंपुर से तिरची के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ, कोलालंपुर से 12 अगस्त को चेन्नई के लिए फ़्लाइट है तमिलनाडु के लिए। 13 अगस्त को बात करें भाई कोलालंपुर से केरला कोची के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ, आगे बात करें भाई कोलालंपुर से आगे फ़्लाइट है कोलालंपुर से तिरची तमिलनाडु के लिए 16 अगस्त की फ़्लाइट है। 17 अगस्त को साथियों केरला कोची के लिए फ़्लाइट है, कोलालंपुर से ही है। 18 अगस्त को बात करें भाई मलेशिया तमिलनाडु से फ़्लाइट है तिरची के लिए। आगे बात करें भाई 19 अगस्त को फ़्लाइट है तमिलनाडु चेन्नई के लिए। आगे बात करें भाई कोलालंपुर से मलेशिया की फ़्लाइट है बॉम्बे के लिए। जी हाँ, 19 अगस्त की फ़्लाइट है। आगे बात करें भाई 20 अगस्त की फ़्लाइट है कोची के लिए, कोलालंपुर से कोची के लिए फ़्लाइट है। जी आगे भाई बात करें तमिलनाडु जी मलेशिया से है फ़्लाइट 22 अगस्त को चेन्नई के लिए। 23 अगस्त को तमिलनाडु मलेशिया से है साथियों कोलालंपुर से तिरची के लिए। 24 अगस्त को साथियों कोची के लिए मलेशिया से। 25 अगस्त को भाई मलेशिया से तिरची के लिए है। 26 अगस्त को भाई चेन्नई के लिए फ़्लाइट है कोलालंपुर से। 26 अगस्त को फिर बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है। 27 अगस्त को कोची के लिए एक फ़्लाइट है साथियों कोलालंपुर से। हैदराबाद के लिए फ़्लाइट है कोलालंपुर से। 29 अगस्त को है चेन्नई के लिए फ़्लाइट है। 30 अगस्त को कोलालंपुर से तिरची के लिए फ़्लाइट है। आगे एक फ़्लाइट लास्ट है सही 31 अगस्त को बता दूँ कोलालंपुर से कोची के लिए। गजब हो गया भाई, यानी टोटल की टोटल फ़्लाइट 27 फ्लाइटों में से 2 फ्लाइट बॉम्बे के लिए हैं, टोटल फ़्लाइट कोची केरला कोचिकोड़े के लिए है। दिल्ली की फ़्लाइट भी इसमें नहीं दी है। आप क्यों नहीं दिए आपको सोचना चाहिए भाई, इंडियन एम्बेसी में है, या तो हो सकता है कि आप इधर के लोग नहीं हो आने के लिए, मलेशिया पूरा खाली हो चुका है, सिर्फ तिरची वाले लोग बचे हैं। फ़्लाइटें क्यों नहीं है, जबकि लोगों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं सर मलेशिया से इंडिया के लिए फ़्लाइटें, तो भाई ये क्या कारण है, एक भी फ़्लाइट नहीं है अगस्त के दौरान। इधर एशिया, इधर अगर आप आते हो दिल्ली हो गया, बिहार, यूपी, राजस्थान, जबकि पंजाबी तो हैं, पंजाबी तो हैं मलेशिया में, उसके बावजूद क्यों नहीं है भाई फ़्लाइटें, समझ में नहीं आया मुझे। तो भाई ये इंडियन एम्बेसी या फिर क्या चक्कर है आप, वो तो आप वहाँ लोकल हो तो भाई आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। कोई रीज़न है तो मुझे शेयर कीजिए भाई, हम मुद्दा उठाएंगे इस बात का, क्योंकि एक भी फ़्लाइट नहीं है यार, पूरी अगस्त में एक फ़्लाइट नहीं है दिल्ली के लिए। चलो राजस्थान, यूपी, बिहार, ये इनको छोड़ दो आप, हरियाणा, पंजाब को भी छोड़ दो, दिल्ली के लिए तो फ़्लाइटें होनी चाहिए ना, दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट नहीं है यार, अफसोस की बात है। बस साथियों ये जानकारी थी, शेयर कर दी। वीडियो तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, शेयर नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, शेयर कर दी आपको। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।